हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस उड़द की दाल की कचौड़ी। सो गाइस, उड़द की दाल को मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया है। भीगने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भीग जाती है। तो ये नाखून बड़ों की भी देख सकते हैं कि ये फूल गई है। तो गाइस, इस दाल को 2-3 पानी से धो लेंगे। धोने के लिए गाइस इसको बड़े से बर्तन में रख लेंगे और बड़े से बर्तन में करने के बाद इसको दोनों हाथों की हथेलियों से इस तरीके से मैश करेंगे और इसके छिलका जो है अलग निकाल लेंगे और दाल को अलग छिलका को गाइस फेंक देंगे और इसकी दाल को अच्छे से धो लेंगे और कंकड़ वगैरह जो होते हैं उसको पानी को नीचे करके ऐसे थिरा के निकालते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से आप दाल को प्रोसेस से धो सकते हैं। तो गाइस छिलका को अलग कर देंगे और दाल को अच्छे से धो लेंगे। तो गाइस दाल को इस तरीके से धो लिया है। अब लेंगे मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में दाल को पीसेंगे। तो मैंने मिक्सी का जार पहले से ले लिया है और इसमें दाल को डाल देंगे। कचौड़ी बनाने के लिए गाइस दाल को मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है और मैंने 4 हरी मिर्च ली है। इसकी डंडी को निकाल देंगे और इसमें डालेंगे गाइस अदरक। अदरक से गाइस टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गाइस अदरक तरीके से सौंफ आपके पास अगर पिसी रखी हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पिसी रखी है तो आप पिस नहीं डाल सकते हैं और सौंफ जो है पिस जाएगी साथ में। तो गाइस सौंफ को मैंने ऑलरेडी पहले पीस लिया है और अब इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो गाइस दाल की कचौड़ी बनाने के लिए दाल पिसके बिल्कुल तैयार हो गया और इसको मैंने थोड़ा सा मोटा ही पीसा है। इसको बिल्कुल महीन नहीं करना है। अगर महीन कर देंगे गाइस कचौड़ी में टेस्ट बहुत कम आएगा, ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। और इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से भी मैंने 2-3 दाने छोड़ रखे हैं दाने दाल के। कचौड़ी बनाने के लिए मैंने आटा लिया है, आटा को छलनी से छान लिया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसको गूंदेंगे, थोड़ा सा पानी डाल डाल के, थोड़ा जैसा डो तैयार करते हैं पराठे वाला वैसा ही डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसका डो तैयार करेंगे इस तरीके से। सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो डो तैयार किया है ये कचौड़ी के लिए, कचौड़ी का थोड़ा सा सॉफ्ट अपने गूंदा है, और ये पूड़ी का है जो पूड़ी के लिए टाइट आटा गूंदते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये टाइट है। तो गाइस डो बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करेंगे और गैस पर मैंने नॉनस्टिक तवा रखा है और ऑयल गर्म हो गया है। इसको अब दाल फ्राई करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस ऑयल का क्या करेंगे। तो गाइस जो मैंने दाल पेस्ट भी तैयार किया था तो इसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा और ये उड़द की दाल। कचौड़ी बनाने के लिए गाइस इस प्रोसेस से आप बनाइएगा तो कचौड़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी आपकी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो इसमें हरी मिर्च और अदरक को मैंने ऑलरेडी पहले ही पीस लिया था। में डालेंगे आधा टीस्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक। नमक मैंने इसमें आटे में भी डाला है तो इसमें क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखनी है। दाल में डालेंगे सौंफ 1 टीस्पून, हींग 1 चुटकी हींग, इसको चलाएंगे। और इसको गुलाबी भूनेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे। तो गैस दाल को अच्छे से भून लिया है और ये गुलाबी हो गई है। इस तरीके से गैस आप दाल की
इसको पीस कर और भून सकते हैं। और कचौड़ी का पेस्ट अंदर का मसाला भरने वाला तो तैयार हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे। कचौड़ी बनाने के लिए गैस को ऑन करेंगे और इसमें रखेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो रहा है गैस, तब तक ही कचौड़ी बेल लेंगे। सबसे पहले बनाएंगे गैस पूड़ी। पूड़ी बनाने के लिए मैंने डो जो तैयार किया था तो इसके लिए पहले इस तरीके से डो को इस तरीके से मिक्स करना है और इसे लोई काट लेंगे। तो ये तो गाइस गौ माता के लिए इस तरीके से लोई बना लिए और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। जिस तरीके से आप पराठा पूड़ी बनाते हैं उसी तरीके से आप बनाइएगा। और पराठे का साइज लोई थोड़ी बड़ी रहती है और पूड़ी की साइज थोड़ा छोटा रहता है। इस तरीके से इसको गोल कर लेंगे। इस तरीके से गैस लोई तैयार कर लिए हैं और इसको बेलने के लिए चाहे तो आप ऑयल से भी बेल सकते हैं। ऑयल से बेलने के लिए थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल देंगे और इसको बेलेंगे। इस तरीके से गैस पूरी बेल के तैयार हो गई है। इसी तरीके से दूसरी पूरी को बेलेंगे। बहुत ही आसानी से बगैर बर्तन के बेल जाती है पूड़ी। तो आप गाइस देख सकते हैं कि पूड़ियाँ मैंने इस तरीके से बेल ली हैं गोल और सारी पूड़ियों को इसी तरीके से बेल लेंगे। चलते हैं गैस की तरफ। ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें डाल देंगे पूड़ी और इसको बीच में इस तरीके से दबाएंगे। देखिए फूली हुई पूड़ी निकल के आएगी। इसी तरीके से गाइस दूसरी पूड़ी डाल देंगे। इस तरीके से दबा देंगे। सो गाइस अब कमेंट बॉक्स में मेरा एक चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप जाकर मेरे चैनल को देखिएगा शॉर्ट्स की वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरीके से गाइस पूड़ी बनके तैयार हो गई है। सो गाइस इस तरीके से आप पूड़ियाँ बनाइए और खाइएगा गर्मा गर्म पूड़ी। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी फूली हुई पूड़ी बनी है और दोनों तरफ से आप इस तरीके से गुलाबी बनाइएगा और इस तरीके से बनाइएगा पूरी। तो गाइस आपको पूरी की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सो गाइस पूड़ी बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं पूड़ियाँ बन चुकी हैं। बनाएंगे गाइस कचौड़ी दाल की। दाल की कचौड़ी बनाने के लिए गाइस मैंने जो तैयार किया था दाल की, तो आटे का इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है और पराठे की तरीके से खाने में ठंडा है। अब इस तरीके से इसकी लोई तोड़ लेंगे और इसकी लोई काट लेंगे। तो लोई काटने के लिए गाइस सूखा सा आटा डालेंगे इस पर और फिर इसकी लोई बना लेंगे। तो सबसे पहले गाइस मैं बनाऊंगी गाय के लिए, गौ माता के लिए, और इस तरीके से लोई को काट लेंगे। तो इसमें गाइस मैं बर्तन का इस्तेमाल कर रही हूँ सूखे आटे का। इस तरीके से चाहे तो आप लोई को गोल कर सकते हैं, मैंने गोल नहीं किया। इस तरीके से बीच से बेल लेंगे, सूखा आटा लगा लेंगे। इस तरीके से बेलने के बाद जो मैंने दाल का पेस्ट तैयार किया था मसाले वाली दाल, तो गाइस इस दाल को पहले हाथों से मिक्स कर लेंगे अंदर भरने के लिए। तो इसमें गाइस दाल में इस तरीके से
जो मैंने लोई बनाई थी इसमें अंदर रखेंगे दाल और इस तरीके से लोई बना लेंगे। इसी तरीके से गैस आप मोमोज भी बना सकते हैं, मोमोज के लिए आप इस तरीके से बनाइएगा मोमोज के तरीके और फिर इसको फोल्ड करके इस तरीके से लोई बनाइएगा। इस तरीके से गैस लोई तैयार करेंगे। हमारी लोई बनके तैयार हो गई है, इस तरीके से मैंने भर लिए हैं। अब इसको बेलने के लिए गैस जो पूरी थोड़ी सी बड़ी बेलती है, सूखा आटा इस तरीके से लगा लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको बहुत ही हल्के हाथों से बेलना रहता है और सूखा आटा लगा लेंगे थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कि लोई इस तरीके से बेल दी है मैंने, तो सारी लोई को इस तरीके से बेल लेंगे। ये मैंने गाइस गौ माता के लिए कचौड़ी बना ली है। जो कचौड़ी बेल ली थी गैस को ऑन करके और ऑयल गर्म कर लेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो इसमें कचौड़ियाँ डाल देंगे। अब कचौड़ी को पलट देंगे और दूसरी तरफ भी गुलाबी गुलाबी इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से दूसरी कचौड़ी भी डाल देंगे। इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं मैंने बेकर लगा के रखा है और कचौड़ी बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से गाइस कचौड़ी दाल की बनके तैयार हो गई हैं और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है और मुलायम हुई है। और इस तरीके से गाइस आप बनाइएगा दाल की कचौड़ी चटपटी मसाले वाली। तो गाइस आपको दाल की कचौड़ी की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे। सो गाइस आप देख सकते हैं कचौड़ी और पूड़ी बनके तैयार हो गई हैं और पूड़ी भी आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है और फूली हुई। सो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।